Namaskar, welcome to our channel. In this video we will be discussing problem number 20 of RD Sharma exercise 2.1 level 2. इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ. अभी से पीछे वाले जो प्रॉब्लम है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पॉलिनोमियल को पी एक्स को जीरो से इक्वेट करके और हमेशा जीरो से इक्वेट करके लिखा हूँ. जैसे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग लिखते हैं ऐसे करके बी एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो. तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर आपको सिर्फ पॉलिनोमियल बोले लिखने के लिए तो प्रेफरेबली जीरो से इक्वेट करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एफ एक्स इज इक्वल टू वही लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. जीरो से इक्वेट नहीं कीजिए, क्योंकि पॉलिनोमियल जीरो से इक्वेट करने पे भी वो पॉलिनोमियल है, लेकिन नहीं करने पे भी पॉलिनोमियल होगा. तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसको एफ एक्स इक्वल टू ऐसे करके लिखिए. प्लस आरडी शर्मा में जो है इसमें आंसर में हमेशा क्या करता है, इसके साथ के को मल्टीप्लाई करा हुआ है. अब वो अगर आप मल्टीप्लाई करें तो भी ठीक है, नहीं करें उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है. अगर मतलब प्योरिटेनिकल बोलते हैं एक वर्ड, कि अगर आपके जो टीचर हैं वो बहुत ही प्योरिटी को मतलब प्योरिटेनिकल टाइप के हैं, एकदम सब चीज़ को ऑर्डर में पसंद करते हैं, तो फिर आप के लगा दीजिए. अदरवाइज उससे कोई मतलब नहीं है, वो बेसिकली कोफिशियंट को बताता है. और जब भी वो मतलब एक तरह से एम्पलीट्यूड उसका के टाइम्स हो जा रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको. लोग उसको नहीं भी रखेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप रख दें तो ठीक है. तो अब क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है ये, तो हम लोग अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, अगर इसको हम अगर रूट देखें और जीरोज की बात कराएं ना, तो ऑब्वियसली हमको इसको जीरो से इक्वेट करना ही पड़ेगा, तभी जाके हम इसका जीरोज निकाल पाएंगे. जीरोज का डिफिनेशन क्या होता है, दोज वैल्यू ऑफ एक्स एट विच आर फंक्शन बिकम्स जीरो. तो ये जब जीरो होगा, ये इज इक्वल टू जीरो जब होगा तो हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो. अगर हम एक्स कॉमन ले लें तो एक्स माइनस थ्री प्लस वन एक्स सॉरी क्या है एक सेकेंड कर सकते हैं, माइनस होता तब हम कर पाते. हमको इसको अल्फा बीटा ही करके रखना पड़ेगा, कोई नहीं अल्फा बीटा सही है ठीक है. तो हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा निकालते हैं. तो अगर जीरो अल्फा बीटा है तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए यानी कि थ्री. तो अल्फा अल्फा बीटा पता चल गया. अब बोल रहा है कि वैसा पॉलिनोमियल बताइए जिसका ये है. तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे जिसका रूट वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस टू प्लस बीटा प्लस टू इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस टू इंटू बीटा प्लस. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, टू है. हम उसके जगह पे क्या रखेंगे, टू प्लस पहले से दो मिल के फोर इंटू एक्स प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस फोर. तो देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा है और ये टू अल्फा टू बीटा या टू अल्फा प्लस बीटा है. इसको हम अगर यहाँ लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस चार दो छः यानी कि सिक्स एक्स और अल्फा बीटा क्या है, थ्री है. तो लिखेंगे प्लस थ्री और टू अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा प्लस फोर प्लस फोर. तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स और प्लस 11. अब इसको अगर आप के से भी मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा आंसर है. आप अगर नहीं मल्टीप्लाई करें, हम तो कहें तो हम तो प्रेफर करेंगे कि नहीं है, आप कन्वीनियंस के हिसाब से देख कन्वीनियंस ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड.